Welcome back to our channel Explore with Love. This is part 1 of our Gujarat trip. In this vlog, we will be covering our stay in Run, White Run Resort, White Desert, where we will be witnessing the best sunset of our lives, Road to Heaven, and Kutch's highest peak. Shitish had a movie shoot going on here, so I joined him to explore nearby places. But after reaching, I got to know the Run Utsav is over. 1 November to 20 February is when the Run Utsav takes place. Few resorts stay operational till 28 February, but the tent city is no longer there. Hi guys, this is day 1. Look at the wind. Bahut tez hai yaar. There is our tent. Main abhi khana khane ja rahi hu. Shitish and Vaibhav shoot ke liye nikal gaye subah 6 baje. This is a huge property, yaar. White Run Resort has two categories of stay options. We are staying at the premium tent. Second option is Bhunga, which is jhopri-like mud house. Their tariff includes stay, meal, local sightseeing, and starts from 5,000. Here they have option of buffet only, and sadly the food was tasteless. The property is huge, and there are few selfie points as well. Let's show you guys how our tent looks like from inside. This is how the bed is. There is the dressing table, here are chairs and table, AC. Then there is a place to keep your luggage, a fan. There is this side table. This is the washroom. Basic washroom. Yeah, that's it. This is the tent. After lunch, I left for sightseeing with the bus arranged by resort. Guide gave us a lot of information. अभी हम जा रहे हैं गांधी के गांव. गांधी का गांव का नाम कैसे पड़ा? जब 2001 से पहले उसका नाम था लुधिया गांव. जब ये अभी आपने सुना होगा 2001 में भूकंप आया था यहाँ पर. तो ये पूरा गांव जमीन दोस्त हो गया था. ये गांव में कुछ नहीं पहुंचा था. साबरमती आश्रम आप सबने सुना ही होगा. तो साबरमती आश्रम ट्रस्ट यहाँ पर आके फिर से रीडेवलपमेंट करके 2004 में जाके फिर उसके नाम गांधी का गांव नाम पड़ा. वहाँ पर एक खेता बैकर के महिला है, उसने फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत उसी महिला ने की थी. भारत सरकार ने सम्मानित करने के लिए 1997 में 6 रुपए का स्टैंप लॉन्च किया था. वो अभी जिंदा है. ऐसी भारत में ऐसी 4 महिला है. वहाँ के जो कारीगर होते हैं, जो बॉटल बनाते हैं, जो लकड़ी की ट्रे बनाते हैं, जो पूरा हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाते हैं, वो बॉटल बनाने में 3 से 4 दिन का मतलब टाइम लगता है. वो बॉटल भी आप देख सकते हो वहाँ पर भी. बॉटल भी नहीं, ट्रे है, बहुत बहुत कुछ हैंडीक्राफ्ट. पूरा गांव ही हैंडीक्राफ्ट का है. This is Ludhia village, which was re-established after the earthquake and named as Gandhinugam. यहाँ के रहने वाले लोगों को घर भी गिफ्ट किए गए. यहाँ औरतें एम्ब्रॉयडरी का काम करती है थ्रेड एंड मिरर में. यू कैन शॉप दिस ब्यूटिफुल आइटम्स हियर. एंड मेन हियर हैव स्पेशलिटी इन वुडन कार्विंग लाइक टेबल, चेयर्स, डोर्स. नेक्स्ट वी हेडेड टू कच्छ हाईएस्ट पीक कालू डूंगर. On your way to Kalo Dongar, there is an anti-gravity point where your vehicle goes backwards on a plain surface even when it is turned off. Just check for the board alongside the road. Couldn't test this as we were traveling by a bus. जब पहले के जमाने में जब घड़ियाल नहीं थी, वॉच नहीं थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ. जब आसपास के गांव के लोग जब टाइम देखने के लिए जब डूंगर ऊपर देख रहे थे. डूंगर को बोलते हैं पर्वत हिंदी में. तो पर्वत ऊपर जैसे जैसे देख रहे थे वैसे वैसे लोग टाइम नोट करते थे. जैसे 5:30, 4:30 जैसे आप सनराइज के लिए जाए होंगे तो आप जैसे सूर्य निकला होगा तो आपको एक सामने एक डूंगर नजर आ रहा है. वही वो काला डूंगर है. कच्छ का हाईएस्ट पीक पॉइंट है. तो आसपास के गांव के लोग जब टाइम देखने के जैसे जैसे वो छाव खींची थी वैसे वैसे वो लोग टाइम नोट करते थे. जैसे 5:30, 4:30 तो इसलिए फिर उसका नाम फिर काला डूंगर नाम पड़ा. वहाँ पर एक दत्तात्रेय भगवान का टेम्पल है. दत्तात्रेय भगवान ने वहाँ पर प्रदक्षिणा करके वहाँ पर तपस्या की थी. हम वहाँ पर जाएंगे, विजिट भी करेंगे. उसके आगे हमारा 200 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है. वहाँ से हम 360 व्यू देखेंगे वाइट रन का, फिर इंडिया ब्रिज देखेंगे. किसी ने भुज मूवी देखी है? उसमें से भुज अजय देवगन वाली. हाँ, उसमें स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी पाकिस्तान ने 8 दिसंबर 1971 में. तो वही आपको एक इंडिया ब्रिज वहाँ से दूर से नजर आ रहा है तो मैं दिखाऊंगा. उसके बाद लास्ट गाँव भी दिखेंगे. लास्ट गाँव इंडिया ब्रिज दिखाएंगे. हाँ, बीएसएफ की लास्ट चेक पोस्ट देखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की. उसके बाद हम जैसे ही सनसेट खत्म हो जाए बस में आ जाएंगे. बस ड्रॉप्ड अस हियर. वी हैड 3 ऑप्शंस: गो वॉकिंग,
और बुलेरो राइड एट 100 रुपीज़ पर पर्सन टू एंड फ्रो और कैमल राइड एट 200 रुपीज़ पर पर्सन. दिस रेट्स वर ओनली टू ड्रॉप अस एट 800 मीटर डिस्टेंस. एज द टूर गाइड सेड, दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ पे प्रदक्षिणा करके तपश्चर्या की थी, इसलिए यहाँ मंदिर बनाया गया. From the temple, we had to walk for 200 meters to reach the top. On the way, I saw small shops which are usually operational in full swing during Ranutsav only. Oh yeah? Yeah, दिखाओ एक बार. कितने की है? 50. Wooden है क्या? इसका wood का बनाया हुआ है. चीनी मिट्टी का. Locals tie your pagri on rent to click pictures. They charge 20 rupees, so I also gave it a try. Kutch highest peak is not so high actually. The view from Kalo Dongar was beautiful. Kalo Dongar is the only place where you can see confluence of mountains, sea and desert. From here, we can rent binoculars at 100 rupees and can see the India Bridge which was shown in Bhuj movie, last checkpost of BSF, last villages of India as Pakistan border is close by. We soak the sunset, enjoy conversating with the locals and took off back to the resort. On our way back, we played some damsharas in the bus. I was literally clueless half of the time because was hearing few songs for the very first time. At night there was Gujarati folk dance, cultural performances and games at the resort. Aaj hum aapko karwate hain Kutch ka ek anokha safar. Breakfast, skipped lunch, and in the evening, the resort bus took us to White Desert, which was just 1.5 km away. So the bus dropped us here. Bus dropped us at a point from where we had three options: go walking, or by camel or horse cart. I chose walking as it was just 1 km ahead. This tower is called Zero Bridge, from where you can see 360 degree view of the desert. But unfortunately, it was closed due to some reason, so I couldn't go. The Run is one of the largest salt desert in the world. It stretches about 300 km from east to west and 150 km from north to south. It was once a shallow part of the Arabian Sea until a geological shift closed off its connection with the sea. During monsoons, the region fills up with water and forms a wetland. In the summer, the water dries to create a bed of white salty land. The sunset here was changing shade in every 10 minutes. I was left awestruck by the beauty of this place.
unfortunately had to go back on time before the bus left. Took camel ride while going back. Enjoyed the view with amazing songs. The dusk was surreal. I had tears in my eyes as I watched this most beautiful sunset of my life. After this, we headed back to our resort. जेवण पचत नव्हतं म्हणून आम्ही चिकन आणलं. ते कळलं त्याला ऍक्च्युअली आपण जेव्हा बोललो ना तेव्हा. याने चिकन आणलं. Next morning, again we left to watch the sunrise from White Desert. I got to know Kshitij's shoot was here today, so we took few photos and videos of us. Kshitij had a movie shoot scheduled at the Road of Heaven, so he visited the place but I couldn't. I felt really sad about it. Nevertheless, he took some amazing drone shots. The road to heaven links Khavda to Dholavira. Dholavira is 5,000 years old ancient city which was added to the UNESCO World Heritage Site in 2021. The city is one of the five largest Harappan sites of the Indus Valley Civilization and was excavated few years back, which proves that it was once a well-planned city. Hi guys, so I was in the tent the entire day today. I did not even have my lunch because यार ये कितना बड़ा है, मतलब ये जो झोपड़ा दिख रहा है ना उसके भी आगे डाइनिंग हॉल है एंड इट इज़ वेरी फार एंड माई लेग्स आर पेनिंग अ लॉट एंड पूरा दिन मैं एक्चुअली काम कर रही थी कोलैबोरेशन एंड बाकी चीज़ों को लेके सो माई आईज आर ऑल्सो पेनिंग अ लॉट आई मिस टुडे सनसेट यार मतलब प्रॉपर जो वो सन मतलब आज क्लाउड्स नहीं थे प्रॉपर सनसेट दिखता था सन दिखता था आई मिस्ड इट एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द सनसेट द डस्क सो यार टुमारो वी विल गो टू भुज लेट्स सी आई एम सर्चिंग फॉर प्लेसेस टू स्टे आई एम वेरी टायर्ड आई हैव टू मेक द आइटनरी एज वेल लेट्स सी In next vlog, we will visit places in Bhuj. So stay tuned and subscribe if you haven't.